हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये वीडियो में आप देखेंगे ये जो एक पीसीबी बोर्ड है 5406 का, तो इसका हम वायरिंग करेंगे। 5406 का किट है। यहाँ आप एक देखेंगे ट्रांसफार्मर जो है 9 वोल्ट का, 1 एम्पियर का है। यहाँ एलईडी है, एक रेजिस्टेंस है। ये जो आप देख रहे हैं ये इसका स्पीकर कनेक्टर है, जिसका आपको एक कैपेसिटर देखने को मिलेगा, जहाँ आपको कैपेसिटर जो है वो यूज करना है 2200 माइक्रोफेराड 25 वोल्ट का रहे हैं। ये दो वॉल्यूम है, इसका नंबर जो है 22 का, दो वॉल्यूम का हम यूज करेंगे। ये जो है एक मोबाइल जैक है, इसका यूज करेंगे। ये कुछ वायर है जिससे हम यहाँ वायरिंग करेंगे, तो चलिए इन सभी को वायरिंग करते हैं। इसके लिए सबसे पहले ये पीसीबी बोर्ड में आपको वायरिंग करना होगा। वायरिंग करने से पहले ये जो आप देख रहे हैं इसका डायग्राम जो है किस तरह से कनेक्शन इसका किया हुआ है, तो ये देख सकते हैं। मेरे फर्स्ट वीडियो में भी इस डायग्राम के बारे में देखेंगे, इसके 5406 का जो फर्स्ट वीडियो है उसमें इस डायग्राम के बारे में देखेंगे, पूरा डिटेल से बताया गया है, तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं इसके हेल्प से सारा कनेक्शन करूँगा, इसके वायरिंग करूँगा। तो चलिए वायरिंग करते हैं इसका। इस वायर को यहाँ पर सोल्डिंग करेंगे। ये कट कर ले वायर को। ये देखें, ये जो कैपेसिटर है, तो इस कैपेसिटर में हम यहाँ पर ये जरा सा स्लिप को लगा लेंगे दोनों में, ताकि पीसीबी बोर्ड में टच ना हो। तो यहाँ मैं आपको दिखाया था कि यहाँ 2200 UF 25 वोल्ट का कैपेसिटर का यूज करना है, बट मैं यहाँ पर ये कैपेसिटर का यूज कर रहा हूँ, मेरे पास ये अवेलेबल है इसलिए। तो यहाँ जो आप देख रहे हैं पीसीबी बोर्ड में, ये आपका नेगेटिव है, यहाँ जो आपका है वो पॉजिटिव है। नेगेटिव को यहाँ से कनेक्ट करना है, ये पॉजिटिव को। कनेक्टर है जहाँ स्पीकर को आपको कनेक्ट करना है दो, तो इसे देखिए कैसे आपको कनेक्ट करना है। एक लेफ्ट एक राइट के लिए है, और ये इसका ग्राउंड है, दोनों का ग्राउंड सेम रहेगा। तो यहाँ आप कनेक्ट कर लेंगे इस तरह से। ये मैं यहाँ आपको देखने को मिलेगा, ये इसका लेफ्ट साइड का है, तो यहाँ हम सोल्डिंग करेंगे। ये राइट साइड का है, तो एक एक वायर को सोल्डिंग कर लेंगे। और ये जो ब्लू वायर देख रहे हैं ये नेगेटिव में जाएगा, तो इसे हम यहाँ पर सोल्डिंग कर देंगे ग्राउंड से। ये सोल्डिंग हो चुका है। उसके बाद ये जो वायर है, यहाँ हम सोल्डिंग कर लेंगे एक वायर को, जो राइट का वायर है। इस जगह पर यहाँ पर आप सोल्डिंग करें जो इसका लेफ्ट है। ये जो कनेक्टर है इसका वायर सोल्डिंग हो चुका है। अब यहाँ आपको दिखने को मिलेगा ये वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम का जो वायर है जिसमें आपको यहाँ इनपुट देना है, तो इनपुट देने के लिए ये जो वायर आप देख रहे हैं ये इसका ये वॉल्यूम का वायर है। इस वॉल्यूम के वायर को ये आपको ग्राउंड से कनेक्ट कर देना है, तो चलिए इसे हम ग्राउंड से कनेक्ट कर लेते हैं यहाँ पर। ये ग्राउंड से कनेक्ट हो चुका है। अब इन दोनों वायर में एक एक वायर को यहाँ कनेक्ट कर लेना है। एक वायर को आपको यहाँ कनेक्ट करना है जहाँ पर आपको वॉल्यूम को इन कराना है, ये देखें। ये हो चुका है। दूसरा वायर जो है वो आप यहाँ पर कनेक्ट करें। जब आप कनेक्ट करेंगे तो इस तरह से डायग्राम को देख करके भी कनेक्ट कर सकते हैं। इस तरह से ये दोनों हो गया, एक लेफ्ट एक राइट के लिए। यहाँ ग्राउंड से कनेक्ट हो चुका है। नेगेटिव है तो नेगेटिव को करना है, यहाँ पॉजिटिव है तो पॉजिटिव को हम सोल्डिंग कर लेंगे। तो इस तरह से ये सोल्डिंग हो चुका है। यहाँ एक एलईडी लाइट। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि ये वॉल्यूम का वायर जो है वो सोल्डिंग हो चुका है।
तो यहाँ आपको वॉल्यूम के वायर को कैसे सोल्डिंग करें ये कनेक्ट करना है। दोनों वॉल्यूम में एक एक नेगेटिव वायर को कनेक्ट करना है। तो इस तरह से दोनों वॉल्यूम को कनेक्ट करें इसे। ये देखिए यहाँ कनेक्ट हो चुका है। अब दूसरा जो वायर आया है वो वायर को आपको यहाँ पर कनेक्ट करना है। तो इसके जगह पर आप इस तरह से भी वायर को कनेक्ट कर सकते हैं इसे ज़्यादा छीलने। ये वायर को यहाँ पर से आपको सोल्डिंग कर लेना होगा। ये देखें ये सोल्डिंग हो चुका है। अब इस वायर को क्या करें कि ये स्थान पे लाके यहाँ पर ज़रा सा आप सोल्डिंग कर लें। उसके लिए आप ज़रा सा ये पेस्ट का यूज कर लें यहाँ पर। ये देखें तो इस तरह से यहाँ भी सोल्डिंग हो चुका है। ये देखें तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ भी मैं एक सोल्डिंग को यहाँ से कनेक्ट कर दिया हूँ इसके नेगेटिव से, क्योंकि ये जब भी आप इसे बॉडी में कनेक्ट कर देंगे तो ये आपका सोल्डिंग होने से हैविंग जो प्रॉब्लम है वो नहीं आएगा। ये इसका नॉब है, ये देख सकते हैं आप। ये नॉब को लगा लेना ज़रूरी होता है, वरना वॉल्यूम को कैसे आप घुमाएंगे। तो ये देख रहे हैं ये नॉब भी लग चुका है। तो अब ये वॉल्यूम का कनेक्शन यहाँ पर ये हो चुका है। अब इसमें हम ऑडियो इनपुट यहाँ से कराएंगे। ये जो आप देख रहे हैं एक लेफ्ट के लिए एक राइट के लिए, एक एक वायर को यहाँ हम कनेक्ट कर लेंगे। ये देखिए एक लेफ्ट के लिए एक राइट के लिए। ये देखें दोनों में एक एक वायर जो है लेफ्ट राइट दोनों के लिए कनेक्ट हो चुका है। अब यहाँ एक वायर को हम और सोल्डिंग करेंगे। ये ग्राउंड के लिए रहेगा तो ये ग्राउंड से कनेक्ट कर देंगे यहाँ पर। ये सोल्डिंग हो चुका है। तो इस तरह से देख रहे हैं आपको यहाँ पर तीन वायर जो है वो निकल चुका है। देखें इस तरह से इसका वायरिंग जो है वो कंप्लीट ही हो चुका है। ये वॉल्यूम में हो चुका है जहाँ से आपको ये वायर तीन वायर निकला है, जिसमें एक लेफ्ट राइट, ये जो ब्लैक है ये ग्राउंड रहेगा, एक लेफ्ट राइट रहेगा। तो इस तरह से कनेक्शन जब हो चुका है, अब यहाँ आप देखेंगे ये जो ट्रांसफार्मर का वायर है तो इस ट्रांसफार्मर के वायर को यहाँ कनेक्ट करना है दोनों में। ये जो ट्रांसफार्मर का वायर देख रहे हैं इसमें हम एक वायर को यहाँ कनेक्ट कर लेंगे सबसे पहले। ये कनेक्ट हो चुका है एक वायर। अब यहाँ से जो आप देख रहे हैं एक वायर को यहाँ भी हम कनेक्ट कर लेंगे इस तरह से। तो इस वायर को आप यहाँ पहले कनेक्ट कर लें। ये वायर भी, अब ये आप वायर को क्या करेंगे ये देखिए, ये दोनों वायर अब बीच से इसे कट कर लें। इस वायर को भी यहाँ से निकाल लें। ये इस तरह से जब आपका वायर हो जाए तो आप इसे ज़रा सा पेस्ट लगा लें ताकि आपका सोल्डिंग जो है वो अच्छे से हो। ये देखिए इस तरह से लग चुका है। अब यहाँ हम सोल्डिंग करेंगे। ये जो आप ट्रांसफार्मर का दो वायर को देख रहे हैं तो इसे आपको यहाँ पर सोल्डिंग कर लेना है एक एक में। आपका ये
अब बारी आई ये जैक में कनेक्शन करने का, तो ये कनेक्शन कर लेते हैं इस तरह से। ये ग्राउंड है, तो ग्राउंड को ग्राउंड से आपको कर लेना है। ये इसका ग्राउंड है, तो इस तरह से यहाँ पर आप इसे जोड़ लें। ये ग्राउंड से हो चुका है। अब ये जो वायर है, ये वायर को आप यहाँ ये देख रहे हैं ग्रीन वायर, तो इस ग्रीन वायर से यहाँ कनेक्ट कर लेंगे जो इसका लेफ्ट है। अब ये जो आप देख रहे हैं रेड वायर, तो रेड वायर जो है वो राइट है, तो इस राइट कनेक्शन को हमें इस ब्लू वायर से कनेक्ट करना है। तो इस तरह से देख रहे हैं टोटल कनेक्शन हो चुका है। यहाँ पर ये ट्रांसफार्मर का भी वायरिंग हो चुका है। इसमें आपको इनपुट सप्लाई देना है 220 वोल्ट, यहाँ स्पीकर का कनेक्शन, इस तरह से सारा कनेक्शन हो चुका है। तो चलिए इसको अब इसमें लाइन दे करके हम दो स्पीकर को यहाँ कनेक्ट करेंगे। ये देखिए ये कंप्लीट हो चुका है। यहाँ मैं दो स्पीकर को रख लिया हूँ इस तरह से। ये टीवी स्पीकर है, तो इस तरह के दो स्पीकर आप छोटे स्पीकर को बजा सकते हैं। यहाँ आपको दिखने को मिलेगा, ये देखिए एक एक्सटेंशन बोर्ड है, तो इसमें मैं अब लाइन दूंगा। ये देखिए यहाँ पर ऑन हो चुका है स्पीकर में लाइन। ये जैक को अब मैं कनेक्ट करूँगा इस सेल फोन में। ये कनेक्ट हो चुका है, ये देखिए। अब हम इसमें स्पीकर का वॉल्यूम को यहाँ बढ़ाएंगे, तो ये देखिए यहाँ पर लिया हुआ है दोस्तों, वो आप इससे से देख करके ये जो सारा आवाज़ सुन रहे कनेक्शन हैं वगैरह इस कर सकते हैं। ये फीचर स्पीकर यहाँ में आप दिया हुआ है सुनेंगे, दोस्तों, ये वी ये गार्ड देखिए। का इन्वर्टर है, इसका पीछे देख सकते हैं सारे दोस्तों। इसका बैक पैनल में आउटपुट सॉकेट है, यहाँ तीन दिया हुआ है दोस्तों, ट्यूबलर तो इस तरह से देख ट्यूबलर। रहे हैं कि ये जो स्पीकर है, अब मैं इसे कम कर दिया, ये बंद हो चुका है। अब इस स्पीकर में मैं आपको यहाँ दिखाऊंगा, ये वॉल्यूम को आप तेज करें। एक्सटेंशन फैन इसमें लगा हुआ है, मेन लीड है दोस्तों। यहाँ पर देखिए ये जो स्विच दिया हुआ है दोस्तों, अगर आपका डिफ्यूज हो जाए तो इसे आप दबा दें तो ये आप ये देख सकते ऑपरेट हैं, ऑन हो जाएगा दोस्तों। इस तरह से ये बहुत ही पावरफुल इन्वर्टर है दोस्तों, जिसमें ये केबल है जो दोस्तों वो 6 mm। जैसे ये टोटल कंप्लीट हो चुका है। तो इसी तरह का मैं ढेर सारा वीडियो लाता रहता हूँ, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।